हेलो फ्रेंड, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक न्यू वीडियो। टुडे स्टार्ट नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड योर डियर देवेन सर डिस्टेंस फार्मूला डेरिवेट एंड सेक्शन फार्मूला डेरिवेट एंड टुडे ऑल ऑफ यू टू सेंट्रॉइड फार्मूला दो टू एंड थ्री क्वेश्चन राइट नाउ। सो लेट स्टार्ट द सेंट्रॉइड फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला रिलेटेड विल बी के रेशियो वन। तो स्टार्ट नाउ। अब देखिए अब क्या करते हैं, पहले हम अपना सेक्शन फार्मूला लिखते हैं। हमारा सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जैसे सेक्शन फार्मूला ठीक भाई, यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। हमारा सेक्शन फार्मूला होता है एम एन एक्स टू, और यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं, प्लस नहीं प्लस लगा रहे, आज से आप लोग जान ली ठीक है। तो M1 X2 and M2 X1 ठीक। इससे हम क्या करते हैं, M1 plus M2 ठीक। अब देखिए अब वही चीज़ हम Y में कर देते हैं, M1 Y2 हो जाएगा और M2 Y1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 plus M2 ठीक है। इसको तो भाई हम लोग समझ गए, आपके डियर देवेन सर ने इसको करवाया अभी तक। और इस पर ये तो भाई मान लीजिए हमारा इंटरनल हो गया, ये इंटरनल फार्मूले मीन्स ये हमारा इंटरनल के लिए हो गया ठीक। ये फार्मूला हम इंटरनल की लगाएंगे ठीक, ये फार्मूला हमारा इंटरनल। अब एक्सटर्नल के लिए हम वही एक्सटर्नल का देख लेते हैं। देखो एक्सटर्नल का यही सेम लगेगा, बस यही सिंबल जहां प्लस है वहां माइनस लग जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस लग जाएगा। अब मैं इसको करवाऊंगा नहीं, सीधा मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसको करवाऊंगा नहीं, जहां क्वेश्चन है वहां पे लग जाएगा। अब देखिए मेन पॉइंट ठीक है, यहां पे ये इंटरनल हो गया, ये इंटरनल लेवल हो गया और एक्सटर्नल हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे भाई एक्सटर्नल के लिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा और यहाँ भी माइनस लग जाएगा, कहिए तो मैं आप लोग करवा ले देख लेते हैं। नहीं आप लोग कहोगे करवाते नहीं, वैसे जिंदगी भर तो तुम क्या कर ही रहे हो हमें पता है। देखिए M1 X2 माइनस हो जाएगा M2 X1 ठीक, अपान M1 माइनस ठीक, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम भाई ये हमारा इंटरनल हो गया ठीक। तो अब हम इसको इरेज करते हैं, अब सीधा अपने मेन पॉइंट पे आते हैं जो कि के रेशियो वन से डिनोट करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज जान लीजिए। के रेशियो का हम क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड ऑफ पॉइंट से वेरी इम्पोर्टेंट। सो लेट स्टार्ट दी। अब देखिए यहाँ पे हमारा सेक्शन फार्मूला आप दो के देख लिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा X1 और Y1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा X2 और क्या हो जाएगा Y2 ठीक। अब भाई आज से एक चीज नई चीज आप लोग को सीखने मिलेगी, यहाँ से आज से जान लीजिए ये K रेशियो 1 से डिनोट्स होता है तभी ये बोर्ड लेवल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से हमें K रेशियो 1 से डिनोट्स करते हैं ठीक। और यहाँ क्या होता है MN ठीक। तो आइए हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला वही लगा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें थे, यहाँ पे के से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं ठीक। अब क्वेश्चन में आप लोग को समझाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। चलिए एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, अब देखिए क्या करते हैं। देखिए एक हमारा पॉइंट है, क्या कह रहा है, देखिए कोई पॉइंट है जिसको क्या कर रहा है, 3 -3 and 10 and 6 -8 विथ एडेड दिस पॉइंट एंड 1 -1 6 की मतलब लाइन ड्रा की गई। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो और आप लोग को अच्छा। जैसे कोई ये दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा दिया है 3 माइनस, ये हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या दिया है 3 -3 10 हो जाएगा, हमारा यहाँ पे ए दिया है। और यहाँ पे दिया है सी दिया है 6 -6 -8
ओके ऑल ऑफ यू, यहाँ पे 6-8 दिया है और ए हमारे ए की वैल्यू क्या दी है, ए की वैल्यू क्या है हमारा 1-6। ठीक, अब पहली चीज़ तो हमने क्या बताया था, आज से एक नई चीज़ आपको पता चली है, इसको भाई हम के रेशियो 1 से डिनोट्स करते हैं। आप जान लीजिए के रेशियो 1 से डिनोट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर 3 नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो आज से जान लीजिए कोऑर्डिनेट का एक न्यू पॉइंट है, के रेशियो 1 से डिनोट्स करते हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर करते हैं, चलिए आइए करते हैं, वही सेक्शन फार्मूला हम लगाएंगे। जब हम सेक्शन फार्मूला लगाएं तो क्या देखिए हमें क्या मिलता है, यहाँ पे जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाए 6k हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जब भाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3। ठीक, और हमारा यहाँ पे k+1, भाई यहाँ पे k+1 ये हमारा हो गया। अब देखिए इसका, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे k+1। अब देखिए यहाँ पे हमने कॉमा लगा लिया, अब के का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, के का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे -8 में करेंगे। के का मल्टीप्लाई -8 में करेंगे तो यहाँ पे -8 8k आ जाएगा 8k। और 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे 10 में, तो हमारा क्या हो जाएगा 10। इसको आपके देवेंद्र सर ने करवाया भी था, मैं मुझे याद भी है करवाया था, यहाँ पे क्या k+1 हो जाएगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए इसका मीन्स क्या है, जो यहाँ पे ये पॉइंट दिया है, ये देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। अब जो ए वाला पॉइंट है उसको मैं बाद में समझाता हूँ, तो चलिए मैं इसको करता हूँ। देखिए पहली चीज़ तो आज से जान लीजिए ये यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए 6k-3 इक्वल टू क्या हो जाएगा k+1 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, जब इसको यहाँ पे k+1 हो जाएगा, k+1 यहाँ पे जो, या तो हम -1 ले लेंगे तब भी वही सेम आंसर आएगा, और यहाँ पे 6 लेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, हम दोनों करके चेक करेंगे। ठीक भाई, आई रिपीट योर आंसर, यहाँ पे हम -1 लेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। बोर्ड में आपको एक ही चीज़ करने की जरूरत, दोबारा चिल्लम चिल्ली मत करिएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी और टाइम वैसे भी दिक्कत होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम -1 लेंगे, यहाँ पे -1 रखेंगे और यहाँ पे -6 रखेंगे तब भी वही आएगा। देख लीजिए अब कैसे करते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6k-3। अब देखिए ये -1 इसका मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -1 भाई इसका है, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा -k हो गया हमारा। और 1 1 जा हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 जा क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 1 1 जा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक 1, अब देखिए क्या करते हैं, इतना तो हमने कर लिया, 1 1 जा हमारा 1 हो गया। अब देखिए इसी को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाए 6, ये देखिए इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये भाई माइनस में है, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस से, या इस साइड ट्रांसफर करेंगे तब भी ये 7k हो जाएगा हमारा इक्वल टू, और 3 में से 1 गया हमारा 2 हो गया हमारा। तो भाई अब k इक्वल टू हमारा क्या हो गया, k इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2/7, ये हमारी k की वैल्यू आ गई भाई। देख लीजिए हमने k की वैल्यू ला लिया, अब देखिए हमने जब अपने k की वैल्यू ला लिया तो अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 8k है, यहाँ पे जब -8k है 8k+10, हमने जब यहाँ पे 1 रखा था, अब यहाँ पे क्या करेंगे k+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ठीक है अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब देखिए 8k+10 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6k+6 हो जाएगा। ठीक अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए हमारा -8k है ना, यहाँ पे ये माइनस है, 8k में से हम क्या कर देंगे उस साइड ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाए 8 में प्लस कर देंगे तो 6, यहाँ 8 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया 1 4, मतलब 8 6 14k हो जाएगा। और देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
चार आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, चार आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर हमारा चौदह, अब के इक्वल टू क्या हो जाएगा, चौदह अपान चार, दो सते चौदह, दो दूना चार। देखिए के की वैल्यू सेम आ गई नहीं, यहाँ पे देखिए के की वैल्यू सेम आ गई नहीं, के की वैल्यू हमने सेम ला लिया। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपना वैल्यू के की लाया, सेम सेम वैल्यू आ गई। और अब देखिए इसी के साथ हम एक आध क्वेश्चन और करवा देंगे, जो कि हमारा एक बार रिपीट भी कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सिक्स, वहाँ पे माइनस वन लिया, यहाँ पे सिक्स के माइनस थ्री हो गया, ठीक है, यहाँ पे सिक्स के माइनस थ्री हो गया, यहाँ पे हमने वन से मल्टीप्लाई किया तो के प्लस वन हो गया, ठीक है, के माइनस वन हो गया। यहाँ पे देखिए एक चीज़ गलत हो गया था, देखिए सेवन के हो गया, यहाँ पे सेवन के प्लस माइनस माइनस हो गया था, वन हो गया यहाँ पे। अब देखिए सेवन के हो गया तो इसको हम ट्रांसपोज करते तीन में से एक गुणा प्लस, यहाँ पे माइनस फिर प्लस वन, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो में से एक, सॉरी यहाँ पे दो ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे दो आ गया, हमने के की वैल्यू दो टू अपॉन सेवन कर दिया, जो कि हमारा मेन पॉइंट आ गया। और इसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हमने किया। फिर हमने अब करेंगे इसके साथ एक आध क्वेश्चन और करवा देंगे, जो कि हमारा इसी के साथ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। और के की वैल्यू इसी तरह आगे एक आध क्वेश्चन और करवा देंगे, और कोऑर्डिनेट के साथ हमने सेंट्रॉइड, देखिए सेंट्रॉइड का फार्मूला हम देख लेते हैं, देखो सेंट्रॉइड का फार्मूला देख लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 2 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 2, ठीक। अब हम इसको बाद में करवाएंगे, तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, ओके, ऑल ऑफ यू।